हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं गाइस आप सभी ठीक होंगे। सो जैसे आप लोगों को पता था दोस्तों कि बहुत दिन पहले भी ये बात सामने आई थी कि RR 310 को TVS फिर से रीलॉन्च करके न्यू अपडेट करके वो लोग लाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं गाइस, फिलहाल बाइक में कोई भी ज़्यादा चेंजेस नहीं किया गया है। क्या चेंजेस किया गया इसके बारे में बताऊँगा। देखिए दोस्तों, हम लोगों को एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो रही थी कि बाइक का पावर बढ़ाया जा सकता है, बाइक में नई चीज़ें ऐड की जाएगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं भाई। नॉर्मल चीजें चेंज की गई है बाइक में, कुछ उतना चीजें आपको यहां पे नहीं मिला है। तो उसी के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। RR 310 में दोस्तों क्या क्या चेंजेस किए गए, क्या न्यू चीजें आपको बाइक में मिली है, क्या नई चीजें ऐड की है, उसी टॉपिक में आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लेना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सके। चलिए दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं TVS अपाचे 310 के बारे में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बाइक में जो मेजर चेंज हुआ है वो क्या हुआ है उसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद पुरानी चीजें यानी कि स्पेसिफिकेशन के बारे में थोड़ा बता दूंगा। कि सबसे पहला जो चेंजेस यानी कि न्यू आप कह सकते हो, वो आपको बाइक में न्यू कलर ऑप्शन देखने को मिल रहा है। जी हाँ, न्यू कलर ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा ट्रैक टाइप का कलर आपको उसमें देखने को मिल रहा है। जी हाँ, ट्रैक की तरह इसे डिजाइन किया गया है। अगर कॉम्बिनेशन देखेंगे तो वही रेड व्हाइट कॉम्बिनेशन आपको ज्यादा इसमें देखने को मिल रहा है, बट एक्चुअल में देखा जाए दोस्तों तो ये जो कलर होगा काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं आपको बता दूं गाइस, क्योंकि अभी हम फोटोज में देख रहे हैं, जब इसे नियरेस्ट शोरूम में देखेंगे, अपने पास से देखेंगे, तब हमें समझ में आएगा। एंड मैं आपको बता दूं, ये जो कलर है गाइस काफी प्यारा लगने वाला है, क्योंकि आफ्टर मार्केट जैसे हम कोई भी ग्राफिक कराते हैं तो वो चीजें इसमें आपको नहीं करानी पड़ेगी। सबसे पहली चीज आपको ये इसमें देखने को मिलेगा। नए अपडेट के बारे में मैं बात करूं दोस्तों, तो बाइक का जो फ्रंट सस्पेंशन है गाइस, उसमें भी आपको एडजस्टेबल का ऑप्शन दिया गया है, जो कि मैं आपको बता दूं, नॉर्मली बाइक जो होती है उसमें दोस्तों रियर सस्पेंशन में आता है, बट इसमें फ्रंट में भी आपको वो चीज प्रोवाइड की गई है TVS की तरफ से। तो ये एक न्यू अपडेट आपको बाइक में देखने को मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा अच्छा अपडेट है। नेक्स्ट दोस्तों, कहा जा रहा है कि बाइक का जो एग्जॉस्ट है गाइस, उसे थोड़ा और ज्यादा लाउड किया गया है कंपेयर टू ओल्ड एग्जॉस्ट। अब देखते हैं भाई, सामने आएगा तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा, बट कहा जा रहा है कि भाई थोड़ा तो लाउड किया गया है कंपेयर टू ओल्ड। दोस्तों इसके जो स्पीडोमीटर है उसमें कुछ और भी चीजें ऐड की गई है, जो कि डे ट्रिप करके एक चीज है वो ऐड कर दी गई है, जो कि डे ट्रिप आप उसको सेट कर सकते हो। ओवर स्पीड इंडिकेटर उसे भी ऐड किया गया। प्लस दोस्तों एक बहुत अच्छी चीज ऐड की गई है, वो है डॉक्यूमेंट्स। दोस्तों डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये होता है कि आप इनके ऐप में अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको आप अपलोड कर सकते हो। अपलोड करने के बाद ऐसा है दोस्तों कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको मतलब हार्ड कॉपी रखने की जरूरत नहीं है, बस आप सॉफ्ट कॉपी उसमें अपलोड कर दो, उसके बाद आप कहीं पर भी चले जाओ, आपको कैरी करने का कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एक न्यू अपडेट आपको इस बाइक में देखने को मिल रहा है। प्लस दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इन्होंने न्यू चीज लॉन्च की गई है, रेस किट एंड डायनेमिक किट करके इन्होंने न्यू चीज भी यहाँ पे लॉन्च की गई है। उसकी जो कॉस्टिंग है गाइस डायनेमिक किट की, मैं आपको बता दूं वो लगभग आपको 12,000 रुपीस के ज्यादा कॉस्टली मिलेगी कंपेयर टू नॉर्मल अपाचे RR 310। तो अभी एक नई चीज है जो कि दोस्तों ज्यादातर नियरेस्ट शोरूम में आएगी, तो मैं आपको ज्यादा अच्छी तरीके से बता पाऊंगा। एंड दोस्तों बात करें स्पेसिफिकेशन के बारे में, खासकर इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो कोई भी चेंजेस नहीं है। पहले की तरह आपको बाइक में 312 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन आपको 4 वॉल्वो एंड SOC सेटअप के साथ में आता है। पहले की तरह आपको बाइक में 34 BHP के आसपास का पावर दिया गया है, 27.3 के आसपास का न्यूटन मीटर टॉर्क आपको बाइक में दिया गया है, जो कि 6 स्पीड गियरबॉक्स साथ में स्लीपर क्लच भी आपको बाइक में मिलता है। देखिए दोस्तों, हमें लग रहा था कि बाइक में कुछ चेंजेस किया जाएगा, मतलब कैसा चेंजेस, कि बाइक में ज्यादा पावर बढ़ाया जाएगा, बाइक में लगभग 38 BHP के आसपास का पावर मिलेगा, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर बोल रहे थे। यार मुझे भी ये चीज लग रही थी कि बाइक में जो पावर है उसको थोड़ा सा इंक्रीज किया जाएगा। दोस्तों RC 390 आपको वहां पे मिल जाएगी 43.5 BHP के आसपास की, और ये 34 BHP के आसपास की आती है, तो मेरे हिसाब से पावर का काफी डिफरेंस है। तो हमें लग रहा था कि शायद वो चीज आपको इसमें मिल जाए, थोड़ा सा BHP पावर शायद बाइक में बढ़ाया जाए, ऐसा हमें लग रहा था, बट फिलहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं है गाइस। बाइक में जो पावर है वो थोड़ा भी नहीं बढ़ाया गया है, पावर आपको सेम मिल रहा है। ऊपर की चीजें हैं वो थोड़ी सी चेंज करके, मतलब आप कह सकते हो थोड़ा सा और पॉलिश करके यहाँ पे डिजाइन करके बाइक को लॉन्च किया गया है। नॉर्मली कोई मेजर चेंज आप नहीं कह सकते, यहाँ पे कोई मेजर चेंज नहीं हुआ है, थोड़े बहुत फीचर्स है उसको ऐड कर दिए गए हैं। बाकी ओवरऑल दोस्तों बाइक
टनाटन है, और मेरे हिसाब से दोस्तों जो ओल्ड बाइक है वही भाई अभी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बाइक है और ज्यादा बेटर है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। गाइस 137 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं, गाइस बहुत जल्द हम टच करने वाले 150 के, तो प्लीज सपोर्ट करिए और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर चैनल पे पहली बार आए हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।